पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा की खबर जो है वो सामने आई है, और ये घटना शक्तिपुर इलाके की यहाँ पर है। और खबर के मुताबिक रामनवमी जुलूस पर यहाँ पर पथराव किया गया जिसमें कुछ लोग जो है वो घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि प्रशासन की अनुमति के बाद शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने हमला यहां पर किया। उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने पर न रख पाने के लिए पुलिस को जिम्मेदार यहां पर ठहराया है। सौरभ गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ बताइए क्या वहां पर हुआ और उसके बाद अब क्या स्थिति है? देखिए स्थिति अभी शांतिपूर्ण है ऐसे पुलिस सोर्सेज द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन जो खबर वहां से आई कल शाम को आई जब ये रामनवमी के जुलूस वहां से निकल रहे थे और पथराव होने की आरोप लगाए गए हैं, और वहां पे खबर ऐसा है कि पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कुछ हद तक बल प्रयोग करना पड़ा है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस घटना पर अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि नेता विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर पथराव हुआ है और पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नासफल रहे, और इसको लेकर वो इलेक्शन कमीशन का ध्यान भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं इस विषय पर। उन्होंने ये सारे बातें अपने एक ट्वीट पर कहा है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट करके बताया है। पुलिस का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अभी स्थिति शांतिपूर्ण है ऐसे पुलिस के जो वहां पे अधिकारी मौजूद हैं वो हमें बता रहे हैं, और पुलिस की बयान आने की अभी अपेक्षा है। कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से इसके बाद यहाँ पर की गई है क्या? देखिए वहां पे जब ये हिंसा की खबर आई तब उसके बाद पुलिस वहां पे बल लेके पहुंचे, पुलिस की बल, और वहां पे जो अब तक यहां पे जो खबर आ रही है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो चुनाव के कारण पश्चिम बंगाल में तैनात है वहां पे उनको भी भेजा गया है ऐसे खबर आया है, लेकिन उसके बाद वहां पे पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण किया गया ऐसे पुलिस का दावा है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए। तो ये जो खबर है इसके बाद स्थिति वहाँ पर नियंत्रण में है बताई जा रही है, और लेकिन जो नेता विपक्ष है उन्होंने यहाँ पर जो है दावा किया शुभेंदु अधिकारी ने कि यहाँ पर प्रशासन की अनुमति के बाद शोभा यात्रा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर निकल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर हमला किया और शांति व्यवस्था ना बनाए रख पाने के लिए पुलिस को उन्होंने यहाँ पर जिम्मेदार इस मामले में ठहराया है।